पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने के चलते दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में पहुंच गया है। वहीं पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ईपीसीए ने वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। बृहस्पतिवार से कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। एनसीआर में लगातार जहरीली हो रही हवा के मद्देनजर बृहस्पतिवार से ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप लागू कर दिया है। जीआरएपी अगले साल 15 मार्च तक प्रभावी रहेगा। इसके चार अलग अलग चरणों में वायु प्रदूषण के विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के प्रावधान हैं। ईपीसीए की तरफ से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को साफ कह दिया गया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार ग्रेप के क्रियान्वयन में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।